स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम सिंगरौली ने देश में 15वां स्थान प्राप्त किया। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर ने निगम के सभी कर्मचारी और अधिकारियों को बधाई दी। स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2020 में सिंगरौली प्रदेश में 6वें स्थान पर रहा। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर आरपी सिंह ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपलब्धि को लेकर बड़ी बधाई दी है। उन्होंने कहा, सभी कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में अच्छा कार्य किया है, इस उपलब्धि के हकदार भी वे ही हैं। उन्होंने बताया कि नगर निगम के वार्डों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया था, जिसके तहत लोगों को साफ सफाई रखने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई थी। इसी जन जागरूकता की वजह से यह उपलब्धि हमको मिली है, आगे भी हम लोग अच्छा कार्य करते रहेंगे। देखिए, हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारा सिंगरौली शहर जो है भारत वर्ष में 15वें नंबर में है और प्रदेश में ये 4वां या 6वां स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बड़ी प्रसन्नता व्यक्त किया है और इसके लिए मैं आप सबको और नगर वासियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के सहयोग से जो है ये महत्वपूर्ण उपलब्ध हमारे शहर को प्राप्त हुई है। और हम आशा करते हैं कि सभी के सहयोग से आप सबके अपने जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सब है, हमारे आदरणीय सम्माननीय जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारीगण हैं, और शहर को हम और अच्छे स्थान पर ले जाएंगे और प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हम और अच्छा काम करें और भारतवर्ष में अपना अच्छी स्थिति में पहुंच जाए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।